देखिए 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 कैसे केक खिला रहे हैं दोस्त। हैप्पी बर्थडे। तो आज जो है ना यहाँ पे हमारे घर में यानी कि जन्मदिन मनाएंगे उनका, है ना। फिलहाल अभी सजा रहे हैं भैया साहब, तो अभी हम जा रहे हैं केक लेने के लिए बाजार, तो आप लोगों को दिखाएंगे, है ना। देखिए बैलून सब जो फुला रहे हैं, तो आप यहाँ पे जो केक है ना, और यहाँ पे बैलून शादी का कितना दिन है, और देखिए यहाँ पे रुपतारा जी कैसे बात कर रहे हैं ना। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक साल बाद आरती ने मनाया छोटू का जन्मदिन। छोटू के जन्मदिन पर आरती खूब रोई, कहा आई मिस यू बाबू। जी हाँ, आपको बताया दोस्तों कि जो छोटू है वो बेशक से अब इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके आरती के लिए ये संभव नहीं है कि आरती छोटू को पूरी तरह से भूल जाए। और ऐसा ही अभी एक बार फिर से देखने को मिला है, जब आरती जो है वो छोटू के लिए फूट फूट कर रोने लग गई है। और आरती अब छोटू के जन्मदिन को भी सेलिब्रेट कर रही है, क्योंकि आरती जानती है कि छोटू जहाँ पर भी होगा वो ये जानता होगा कि आरती और छोटू का प्यार सच्चा था, इसी वजह से दुनिया वालों को बीच में आना पड़ा। और अब ये भी पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि जो आरती है ना दोस्तों, वो छोटू को कभी भी भूलने वाली नहीं है, ना ही तो अपने दिल से छोटू को निकालने वाली है। और इसी वजह से जो आरती है ना दोस्तों, वो छोटू को मिस कर रही है, और आरती छोटू को मिस करते हुए रोने भी लग गई। और तो और आपकी जानकारी के लिए बताया दोस्तों कि जो आरती है उसने कसम खा ली है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो छोटू को कभी भी भूलेगी नहीं, और साथ ही वो छोटू की तस्वीर को अपने घर में अपने दिल के पास सजा करके रखेगी। दोस्तों जिस दौरान छोटू रो रही थी ना, जिस दौरान आरती रो रही थी ना, उस दौरान आरती को देखकर उसके घर के आसपास के लोग भी रोने लग गए। सभी को समझ में आ गया कि आरती बेचारी आज तक छोटू को भूल नहीं पाई है, इसी वजह से शायद आरती छोटू का जन्मदिन भी सेलिब्रेट करने में लगी हुई है। तो यही था वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।